लेकिन हमारी फैमिली की वजह से उनकी फैमिली को जो भी तकलीफ हुई है ना, मुझे उसका गिल्ट है। और बस इसलिए मैं किसी ना किसी तरीके से कोशिश करती रहती हूँ कि उनकी फैमिली को खुशी देती रहूँ। हाँ वो सब ठीक है, लेकिन सारा दी प्लीज अब अपना मूड ऑफ मत करो। बाहर इतना अच्छा मौसम हो रहा है, ठीक है जल्दी चलो। और माँ को 2 घंटे पहले बोल रहा था कि आ रहे, अरे और रास्ते में वड़ा पाव भी खाना है। हाँ, 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 चलो। परफेक्ट। अब मैं सैंडी के सारे आइडियाज यूज करके इस कंपनी में अपनी पोजीशन सिक्योर करूंगा। और ये लड़की कुछ नहीं कह पाएगी, एग्जैक्टली राम भाई की तरह, क्योंकि ये भी इमोशनल फूल है। हेलो, हाय क्रिश, फोटोग्राफ्स तो मिली गए होंगे तुम्हें। ओह, यू नो व्हाट, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ऐसी घटिया हरकत तुम में से कोई कर सकता है। हाउ रूड क्रिश। बाय द वे, मैंने एक बहुत जरूरी बात बताने के लिए तुम्हें फोन किया। तुम्हें पता है ये जो फोटोग्राफ्स हैं, नंदिनी आंटी इन्हें इस्तेमाल करके प्रिया को थ्रेटन कर रही है। अगर उसने नंदिनी आंटी की बात नहीं मानी तो वो ये फोटोग्राफ्स पीहू को दिखा देंगे। क्या हुआ क्रिश, कुछ कहोगे नहीं? प्रिया के लिए बुरा नहीं लग रहा? आई नो क्रिश, तुम क्या चाहते हो? तुम प्रिया को चाहते हो, है ना? उसके साथ रहना चाहते हो, जस्ट लाइक अ हैप्पी फैमिली, राइट? कैन यू माइंड योर ओन बिजनेस? अगर नंदिनी आंटी ने वो फोटोग्राफ्स पीहू को दिखा दिए तो वो कैसे रिएक्ट करेगी? इतनी छोटी बच्ची है वो, क्या वो ये सब कुछ सह पाएगी? प्रिया का क्या होगा? मुझे प्रिया की चिंता नहीं है, वो अपना ख्याल खुद रख सकती है। और बात रही पीहू की, तो उसकी चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका ख्याल हम अच्छी तरह से रख सकते हैं। और इट, यू नो व्हाट, अगर तुम्हारी बकवास खत्म हो गई हो तो मैं कुछ बोल सकता हूँ? अगर मैंने उस मिनिस्टर को फोन कर दिया तो वो तुम सबको बर्बाद जरूर कर सकता है। आफ्टर ऑल, ये 800 करोड़ रुपए कोई छोटी रकम तो नहीं होती ना। इसलिए ध्यान रखना कि पीहू के सामने जब भी मुंह खोलो तो सोच समझ के बोलो, ठीक है ना? यार उसको दे दो शाही पनीर। अरे शाही पनीर मीरा माँ का, क्या बात है, वाह! अरे यार मजा आ जाएगा ये तो खाके। वैसे मम्मा ने खास आपके लिए एक्स्ट्रा बनाया है। अरे वो तो मम्मा को अपने फ्रेंड के यहाँ जाना पड़ा, नहीं जाना होता तो और भी बहुत कुछ बनाती। अरे कोई बात नहीं, अभी तो इसका ससुराल हो गया, यहाँ आते रहेंगे, खाते रहेंगे, आते रहेंगे, खाते रहेंगे। वैसे मैं क्या पूछ रही थी, मेरठ में हम लोग इतनी सारी प्रिपरेशन एक साथ कर तो लेंगे, आई मीन कैसे करेंगे हम? सैंडी, वो सब बाद में, सबसे पहले तो प्रिया से बात करनी होगी। वो तो तुम करोगी ना? बात करूंगी, फोर्स नहीं करूंगी, ओके? और कोई और भी फोर्स नहीं करेगा। इतनी बारिश में प्रिया मां से पार्क में क्या कर रही है? अरे यार वो राम उनको लेने गया था, बारिश हो रही थी तो फार्म हाउस ले गया। कोई बात नहीं, खाना खा के हम लोग बात करते हैं प्रिया से, टेंशन मत ले तू। थैंक गॉड बारिश हो गई, नहीं तो मेरी जान। सर क्या हाल होता, मुझे सोच सोच के घबराहट हो रही है। क्यों? अरे राम को मोशन सिकनेस है, वो झूलों पे बैठता ना तो उसे घबराहट होती है, उल्टी आती है, नौशिया हो जाता है उसे। वो बच्चों के मेरी गोराउंड में बैठता ना तो उसको चक्कर आ जाते। फिर भी यार की पीहू का दिल रखने के लिए वहां गए, ये तो अच्छा है। हेलो सर। अरे दाल चाहिए मेरे को, पापड़ क्या दे रहा, दाल की दाल? यहीं पे, यहीं पे। ये आदि की आवाज़ है ना? यस सर। वो क्या कर रहा है? एक्चुअली सर, सारा दियो विक्रांत जीजू के संगीत की प्लानिंग के लिए सब यहीं पे आए हुए हैं। सो ये सब लोग उन सूट्स के यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर उन दोनों के इमोशंस हावी हो गए ना तो वो सच बाहर आ जाएगा कि पीहू राम की बेटी है, और वो सच भी कि आखिर शिवी के खून का जिम्मेदार कौन है। ओह गुड, मैं भी पास में ही हूँ, इफ यू डोंट माइंड मैं भी आ जाऊँ। आप यहाँ आएंगे सर? हाय शुभम, कैसा है? अच्छा पता है यहाँ ना बहुत ही सिंपल खाना बना है घर का, और वो तो तू खाता ही नहीं ना, तो क्या करेगा आके? मैं खाना खा चुका हूँ ऑलरेडी, सो इट्स ओके। अबे सुनना भाई, वहाँ पे इतनी बारिश हो रही है, जगह जगह पे पानी भरा हुआ है, तू कैसे आएगा यार? अरे पानी भरा हुआ है, तू कोई मैन होल में गिर जाएगा तुझे बाहर कौन निकालेगा? अरे उसकी फिक्र तुम मत करो, आई विल मैनेज। अरे
ये राउंड राउंड बहुत हो गया, बाकी चीजें है ना, बाकी ऑप्शंस भी है, चलो उसमें से कुछ करते हैं। नहीं आपने तो कहा था मैं इनको जानती नहीं हूँ, तो क्वेश्चन तो पूछने पड़ेंगे ना। अभी 10 क्वेश्चन बाकी है, 10 राउंड। 10 और? हाँ 10। फेवरेट फूड, फेवरेट कलर, फेवरेट एडवेंचर। एडवेंचर? पीहू बेटा देखो उनको ठीक नहीं लग रहा ना, अब उनको रेस्ट करने दो, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। हाँ, ओके आइए। ओके चलो, फिर बाद में मत बोलना कि मैंने आपकी हेल्प नहीं की, मैं तो रेडी हूँ। देखा ताना देके चता रही है मुझे। देखो मामा ये ड्रामा कर रहे हैं। एक सेकंड, ड्रामा कैसा? हाँ ताकि मुसूद मुझे डांटे। अरे मैं क्यों ऐसा करूँगा, अभी तो किया। पीहू वो कोई ड्रामा नहीं कर रहे हैं, ऐसे झूले पर बैठ के उनकी तबीयत सच में खराब हो जाती है। हाँ हाँ ये तो डरपोक है। मुझे समझ नहीं आ रहा इसमें फनी क्या है। इट्स नॉट फनी, ओके आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई हैव टू गेट डाउन, आई हैव टू। क्या नो पीहू बिहेव। पीहू वेरी बैड, उनकी तबीयत सच में खराब हो रही थी और आप उनका मजाक उड़ा रहे थे। मुझे लगा वो मुझे फूल बना रहे हैं। नहीं बेटा वो फूल नहीं बना रहे थे, सच में बीमार हो गए थे। अब जाओ जाकर उनकी हेल्प करो। मैं क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसे झूले पर उनकी तबीयत खराब होती है, लेकिन आपका मन रखने के लिए वो फिर भी इस पर बैठे ना, तो आप उनकी हेल्प नहीं कर सकते। बताओ क्या करना है। मैं आपको आइस देती हूँ, आप उनके पास लेकर जाओ। ओके ओके चलो। अगर कॉन्ट्रैक्ट देना ही है तो किसी नोन शेफ को दो ना, विक्रांत की वेडिंग है सो नो कॉम्प्रोमाइजेस। ऐसे किसी ऐरे गैरे को जो छोटा सा कैफे चलाती है उसको केटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट देके क्या फायदा? क्योंकि उन्होंने प्रिया मासी की हेल्प की थी। अच्छा तो वो भी क्या उनके साथ जेल गई थी मर्डर के केस में? स्टॉप इट, प्रिया मासी ने किसी को मारा नहीं है। या गलती से धक्का दे दिया था सीढ़ियों से। सुरवा क्या? मैं बस इतना कहूंगा प्रिया मासी वो डिजर्व नहीं करती जो उनके साथ हुआ। ईशान एनीवे मॉम मेरा ऑनलाइन लेक्चर है, आप ही डिसाइड कर लो क्या करना है। जाने दे। ये इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रहा है? जैसे प्रिया के जेल जाने से रिलेटेड कोई बात है जो सिर्फ ये और प्रिया जानते हैं। गाइस मैंने डिसाइड कर लिया है कि इस फंक्शन की केटरिंग जो है वो तो पल्लवी जी ही करेंगे। बस थोड़ी देर में इनका नंबर जो है वो मिल जाएगा, उसके बाद मैं आज ही सब कुछ फाइनलाइज कर दूंगा। देरी नहीं जीजू, ऑलरेडी नंबर मिल गया है। मिल गया? इट्स अमास कैफे किचन एक्चुअली, और साथ में मेन्यू भी है। प्लीज चेक इट ना। अमास कैफे काफी अच्छा प्लेस लग रहा है मुझे। इनफैक्ट कुछ ब्लॉगर्स हैं जिन्होंने उसके बारे में काफी अच्छे रिव्यूज डाले हैं और लाइक्स तो बहुत सारे हैं। एंड राम सर पक्का इसको प्रूव करेंगे। सर मैं ग्रेट, इन्हें ही बुलाएंगे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।